गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर द एड्रेस रिटन बाय मलका मंसूर. इट इज इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द राइटर इन विच शी डिस्क्राइब्स अबाउट हर अर्ली लाइफ एंड द लाइफ आफ्टर वॉर. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर टीचिंग दिस चैप्टर आई डिस्क्राइब इट्स समरी इन हिंदी. हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको भूल जाना ही हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि उन चीज़ों से दूसरे लोग अपने आप को अटैच कर लेते हैं, या फिर क्या होता है कि वो लोग या उन चीज़ों को जाने अनजाने अपना समझ बैठे हैं जिसको वो हमें वापस नहीं करना चाहते. या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उन चीज़ों से हमें तकलीफ पहुंचती है. इस चैप्टर में भी ये जो हमारे राइटर मलका मंसूर हैं, एड्रेस मानी पता, इसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में, वॉर के बारे में, वॉर से पहले ज़िंदगी कैसी होती है उसके बारे में, वॉर के बाद ज़िंदगी कैसी होती है उसके बारे में डिस्क्राइब किया. और सीधा सीधा ये चैप्टर हमें एक मैसेज ये भी देता है कि जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में हम सिर्फ होते हैं, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता. इस चैप्टर की स्टोरी इस तरीके से है कि एक बहुत ही रिच फैमिली से एक लड़की बिलोंग करती है, वो आर्मी ज्वाइन कर लेती है और वो अपनी माँ की अकेली बच्ची है. वो इतने पैसे वाले हैं कि वो खाना भी चांदी की प्लेट्स में खाते हैं या फिर चांदी के जो फोक्स हैं, कटलरी है, वो यूज़ करते हैं. वार का टाइम था, ये लड़की जिसका नाम मलका मंसूर है ये वॉर में थी. तो क्या करती हैं कि इनकी माँ जो है वो घर का प्रीसियस सामान है, जो कीमती सामान है, वो अपनी एक फ्रेंड को दे देती है जिनका नाम लेडी डॉगिन है. उन्हें ये उम्मीद होती है कि समय के साथ साथ जब मेरी लड़की वॉर से वापस आएगी तो ये औरत जो है मेरी बच्ची को सामान दे देगी. लेकिन जब युद्ध ख़त्म होता है तो इस राइटर की कंडीशन बहुत ही बैड टू वर्स हो जाती है. उनका घर नहीं होता है, हो सकता है वो डिस्ट्रॉय एनमी ने कर दिया हो, उनकी माँ भी नहीं मिलती है उनको, तो वो अपनी माँ को याद करके बहुत दुखी हुई. और अपनी माँ से तो वो कभी मिल ही नहीं सकती थी, तो उन्हें याद आता है कि मेरी माँ ने हमारे घर की जो कीमती चीज़ें थी लेडी डॉलिंग को दी, जिसकी वजह से वो लेडी डॉलिंग से मिलने जाती हैं. लेकिन लेडी डॉलिंग जो है उनके लिए डिनाई कर देती है कि मैं आपको जानती नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ये सारा सामान लेने आई. अच्छा, और मलका मंसूर उस घर में इसलिए जाने की कोशिश करती हैं कि वो उस ओल्ड थिंग्स को टच कर सकें, फील कर सकें और अपनी माँ को याद कर सकें. लेकिन लेडी डॉलिंग उसको परमिशन नहीं देती कि आप हमारे घर में आएं. दोबारा से वो आती हैं, तब लेडी डॉलिंग घर में नहीं होती, उनकी लड़की होती है, वो सारा सामान दिखाती है. उस सामान को देखकर उन्हें बहुत ही सुकून मिलता है और वहाँ से वो निकल आती है और कभी भी उस पते पर जाने की कोशिश नहीं करती हैं और उस सामान को ले जाने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि वो आज एक बहुत ही मुफलसी, बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी जी रही थी. एक ऐसे मकान में रह रही थी जहाँ पर लड़कियों में विंडो पैंस भी नहीं थे, दरवाजे भी नहीं थे, अखबार लगा देती थी और वो अखबार से ही उसको कवर अप कर देती थी. तो उसने सोचा कि ये जो मेरा कीमती सामान है, पहला तो ये लड़की जो लेडी डॉलिंग की लड़की थी इसे अपना समझ बैठी है, दूसरा अगर मैं इस सामान को लेके भी जाती हूँ तो मैं ले जाऊंगी पुलिस के जरिए से, लेकिन क्या होगा ये सामान उस जगह में रखने के लिए पर्याप्त नहीं है और इस सामान को कोई और ले जाएगा, जिसकी वजह से वो दोनों चीज़ों को भूलने की कोशिश करती हैं और वापस लेडी डॉलिंग के घर से चली जाती है. नाउ आई स्टार्ट द चैप्टर. इट इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ स्नैपशॉट, पेज नंबर 10. और जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो आप ये समझिए यहाँ से स्टार्ट होता है कि लेडी डॉलिंग के घर पर
हमारी जो राइडर मर्दा मिंगो हैं वो नॉक करती हैं और खड़ी हुई। डू यू स्टिल नो मी आई आस, क्या आप अभी भी मुझे जानती हैं। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, सर्चिंगली का मतलब यहाँ पे है उसने इंस्पेक्ट करा या फिर उसने ऐसे शो करा कि वो मर्गा मिंगो को नहीं जानती। सी हैड ओपन द डोर ऑफ चिंक, चिंक का मतलब होता है कि अगर हम किवाड़ को थोड़ा सा खोल लें और उसमें से वो हल्की सी लाइन दिखती है, इसका मतलब ये जो ओनर थी उस हाउस की उसने अपना पूरा शरीर बाहर नहीं निकाला, सिर्फ अपनी गर्दन को निकाला था। चिंक इंग्लिश में सेरेमिक भी बोलते हैं इसको। आई केम क्लोजर एंड स्टोर्ड ऑन द स्टेप, और मैं उसके पास सीढ़ियों तक आई और खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो, आई एम मिसेज एसस डॉटर एज वेल एज लेडी डॉलिंग सा मर्गा मिंगो एट वंस सी फॉरवर्ड दैट सी नोज हर दैन she tried to memorize her that do you know I am that SS daughter, SS daughter for that from which you carried so many things, but Lady Rowling denied, बोले नहीं 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 I don't know you. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Very tightly she hold the door so that the writer might not enter in her house. Her face gave absolutely on sign of recognition. She kept staring at me in silence. Continually, Lady Rowling kept on staring her to show that she did not her कि वह उसको जानती नहीं थी। Perhaps I was mistaken, I thought perhaps it is not her, I had seen her only once fleetingly. Fleetingly का मतलब है यहाँ पर एक सरसरी नज़र से, फ्रोली। Then the writer was lack of confidence, शायद वो गलत दरवाजे पर आ गई, शायद वास्तव में ये वो औरत नहीं है जिस औरत का पता मेरे पास है, क्योंकि अगर वो ये औरत होती तो मुझे आइडेंटिफाइड कर लेती। द वुमेन लेट गो टू द डोर एंड स्टेप टू द साइड, सी वाज वियरिंग माय मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, बट इट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट टू सी द पुलओवर दैट बिलोंग्स टू हर ओन मदर, दैट कलर वाज ग्रीन। वो लेडी जो थी जो दरवाजे के पास खड़ी थी वो ग्रीन कलर का पुलओवर पहने हुई थी, जिसको हम स्वेटर या फिर जर्सी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और जैसे ही ये हैंड वोवन थी उसकी माँ ने खुद बनाया था, और उसमें वुडन कलर के येलो कलर के बटन लगे हुए थे जो फेडेड हो चुके थे, तो वो उस स्वेटर को मर्गा मिंगो अच्छी तरीके से पहचानती थी, और उस स्वेटर को देखकर वो समझ गई कि दैट सी वाज ऑन अ राइट प्लेस, कि वो बिल्कुल सही जगह पर है। देखें सी वाज वियरिंग माय मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, वो धुल धुल कर जो बटन थे वो फेडेड हो गए थे। सी सा दैट आई वाज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हाइड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। नाउ एज सी सा द कार्डिगन, सी लेडी डॉलिंग ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट सी वॉज परसीविंग हर कार्डिगन, सो सी ट्राइड हर बेस्ट टू हाइड हर सेल्फ बिहाइंड द डोर, तो उसने इस तरह से अपने आप को छुपाने की कोशिश की, सो दैट सी कुड नॉट सी मोर दैट कार्डिगन, कि वो इससे और अधिक कार्डिगन को ना देख पाए और आइडेंटिफाई ना कर पाए। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, सी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हाइड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट सीइंग दैट कार्डिगन, द राइटर वॉज कन्फर्म दैट सी वॉज स्टैंडिंग टू द राइट प्लेस, कि वो बिल्कुल सही जगह पर खड़ी हुई थी। वेल यू न्यू माई मदर आई आज, बोले अब बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, आप मेरी माँ को अच्छी तरीके से जानती हैं और आप वही हैं जो मेरे माँ के यहाँ से कीमती सामान को लेके आई थी। वेल यू हैव यू कम बैक,
said the woman, I thought that no one had come back. वो औरत समझ चुकी थी कि अब चालाकी दिखाने से कोई फायदा नहीं है, तो वो बोली, अच्छा तुम वापस आ गई? मैं तो समझती थी युद्ध से कोई वापस ही नहीं आता है, युद्ध से सारे लोग मर चुके हैं जो वॉर में गए थे। तो मरवा मिको ने कहा, हाँ ये सत्य है, लेकिन उन सब में मैं ही बची थी और मैं यहाँ पर वापस आ गई। ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर ए मस्ती स्मेल अमर बिहाइंड लेडी डार्लिंग देयर वाज वन मोर डोर दैट वाज ओपनड बाय समवन एंड एज वेल एज दैट पर्सन ओपनड दैट डोर अ मस्ती ए फॉल स्मेल कवर्डेड टू द होल एटमोसफियर। उस लेडी डार्लिंग के पीछे एक और दरवाजा था, किसी और दूसरे बंदे ने खोला और जैसे ही वो दरवाजा खोला एक गंदी सी महक पूरे एटमोसफियर में भर गई। I regret I cannot do anything for you and Lady Darling said that माफ करिएगा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, आप यहाँ से जाओ। I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. उन्होंने कहा, देखिए कि मैं बहुत ही स्पेशल ट्रेन से आई हूँ और स्पेशली आपसे मिलने आई हूँ और बहुत दूर से मिलने आई हूँ और आप मुझसे थोड़ा बात कर लीजिएगा। It is no convenient for me. Now, said the woman, I cannot see you another time. तो बोले कि अभी मेरे यहाँ पर बाहर बना दिया है ये मेहमान है, वो मेहमान है और मैं यहाँ पर कन्वीनियंट फील नहीं कर रही हूँ और आप ऐसा करिएगा कि किसी दिन और आइए, अभी मत आइए। सी नॉडेड एंड क्यूसियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब फॉर द सेक ऑफ दैट पर्सन हु वॉज इनसाइड द रूम। सी क्लोज द डोर सो दैट ही माइट नॉट बी डिस्टर्ब। लेडी डार्लिंग ने दरवाजा बंद कर लिया जिसकी वजह से मेरा मेहमान है वो परेशान ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द वे विंडो मूव एट द सेम मोमेंट मरगा मिंको वॉज देयर वेयर शी वॉज एंड सी सा दैट टू द अपर पार्ट समवन स्लाइड द कर्टेन एंड एट द सेम मोमेंट शट इट उस कर्टेन को खोला और एकदम से क्या कर दिया, बंद कर दिया। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड ओह नथिंग द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग दैट पर्सन आस्क्ड टू लेडी डार्लिंग व्हाट वाज द मैटर देन वेरी रैपिडली मिस लेडी डार्लिंग सेड नो 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 डोंट वरी इट वाज नथिंग यू शुड नॉट बी वरी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। आई लुक एट द नेम प्लेट अगेन नाउ मरगा मिंको वाज अ बिट कंफ्यूज दैट वेदर सी वाज द राइट प्लेस और नॉट कि वो सही प्लेस पर थी या नहीं। डार्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट एनवेलप व्हाइट कलर के वर्ड्स थे और उसने पता देखा और अपने पेपर में वो एड्रेस देखा तो दोनों को मैच करा तो उसने कहा कि थैंक्स गॉड आई एम अ राइट प्लेस दैट पर्सन वाज दैट फॉर होम सी वॉज सर्चिंग जिसके लिए वो सर्च कर रही थी एंड ऑन द जैम बड़े बड़े लेटर्स में एक बिट हायर द नंबर नंबर 46 और उसका जो एड्रेस था वो था नंबर 46। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. When she was going towards the station, on the way, she remembered her mother that once handed her that old address. And it was long ago. बहुत लंबे समय पहले की बात है जब उसने वो एड्रेस दिया। It had been in the first half of the war, ये शुरुआती युद्ध का टाइम था। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. कुछ ही समय हुआ था मरगा मिंको को अपने घर पे आए हुए और उसने तुरंत परसीव कर लिया कि मेरे घर का बहुत सारा सामान जो है वो गायब हो चुका है। I missed various things, बहुत सारी चीजें गायब थी। My mother was surprised. I should have noticed so quickly. And seeing her wit,
द मदर ऑफ भार्गविंदु सो मच सरप्राइज दैट वेरी सून शी फाउंड आउट दैट देयर वर सो मैनी थिंग्स दैट वर मिस। उसकी माँ ने कहा, अरे वाह, आप तो बहुत चालाक हो, बहुत जल्दी आपने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे घर की बहुत सारा सामान गायब हो चुका है। Then she told me about Mrs. Darling। और उसी वक्त बताया उसकी माँ ने कि देखो ये सामान गायब नहीं हुआ है, ये सामान मैंने एक लेडी है, लेडी डॉलिंग नाम है, उसको दे दिया है। I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother। और पता नहीं कहाँ से वो एकदम से मेरी माँ की रिश्तेदार बनकर आ चुकी थी। Whom she had not seen for years, और मैंने तो पता नहीं कितनी सालों से उसे कभी ना देखा था ना मैं जानती थी। She had suddenly turned up and renewed their contact। अचानक से उसने जान पहचान बढ़ाई, अचानक से वो बहुत जल्दी जल्दी हमारे घर पर आती थी। Since then she had come regularly। और तब से वो लगातार हमारे घर पर आने लगी और जाने लगी। Every time she leaves here, she takes something home with her। और हर बार जब वो हमारे घर को छोड़ती थी तो कुछ ना कुछ लेके जाती थी। Said my mother, मेरी माँ ने बोला, she took all the table silver in one go। पहली बार में वो जितना भी ये चांदी के बर्तन थे, चम्मचे थी, वो लेके चली गई। And then the antique plates, और फिर जो antique things थी, antique plates थी, वो लेके चली गई। That hung there, जो उसकी दीवारों पर ऐसे टंगी हुई थी। She had trouble luggaging those large bags, and I am worried she got a crick in her bag from the crockery। क्रिक का मतलब होता है चटकना और बैग का मतलब होता है यहाँ पे हमारा जो बैक बोन होता है इसमें। देखिए इस लाइन में सीधा सीधा राइटर ये कहना चाह रही है कि वो जब आती थी तो इतना सामान लेके जाती थी और बड़े बड़े बेस थे, फूलदान थे, जो ब्रास के होते हैं, तांबे के होते हैं, पीतल के होते हैं, कॉपर के होते हैं, वो लेके चली गई। लेकिन उस पर चला नहीं जा रहा था, यहाँ ऐसे लेके जा रही थी, सर पे लेके जा रही थी, लेकिन वो लेके जा रही थी। तो राइटर ने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके बैकबोन में चोट आ जाए, क्रिक हो जाए, क्रैक हो जाए। एंड आई एम वरीड सो सी गॉट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी माई मदर शूक हर हैड फिटिंगली। और मेरी माँ कहती, देखो बेचारी कितना हमारे लिए मेहनत करती है, हमारे सामान को कितना सेफ एंड साउंड ले जा रही है और अपने घर में रखने के लिए। लेकिन उसकी माँ बेचारी को ये नहीं पता था कि बेईमान लड़ी है, ये वक्त आने पर किसी भी सामान को उसकी बच्ची को वापस नहीं करेगी। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, सी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, सी इवन इंसिस्टेड। और मेरे अंदर कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी माँ से ये पूछ सकूँ कि आप ये सारा सामान क्यों दे रही हो। She wanted to save all my nice things। और मेरी माँ का ये एक्सक्यूज था कि ये औरत जो है हमारी सारी चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रही है। If we have to live here, we shall lose everything, she says। और मेरी माँ ने एक एक्सक्यूज दिया कि ऊपर वाला ना करे कि हमें ये जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा तो हमारी सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। Have you agreed with her that she should keep everything I ask? लेकिन फिर भी मरगाविंदु ने अपनी माँ से पूछ लिया कि क्या आपको लगता है कि ये हमारी सारी चीज़ों को ठीक से रख पाएगी, क्या आपको लगता है कि ये हमारी सारी चीज़ों को बेचेगी नहीं, और क्या आपको लगता है कि टाइम आने पर ये हमारी सारी चीज़ों को वापस दे देगी। एज इफ दैट इज नेसेसरी माई मदर क्राइड, आई वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। तो ये सुनकर जो मरगाविंदु की मदर थी वो एकदम से फ्यूरियस हो गई और अपनी बेटी को डांटने लगी, बोले तुम्हें तमीज़ नहीं है, क्या मैं ये पूछकर उसकी इंसल्ट करूं और ऐसे इंसान की इंसल्ट करूं जो मेरे सामान को बचाने की कोशिश कर रहा है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क सी इज रनिंग ईच टाइम सी गोज आउट ऑफ द डोर विद ए फुल सूटकेस ऑफ बैग। और हर बार जब वो आती थी तो बड़े बड़े जो सूटकेस थे वो भर कर ले जाती थी और चली जाती थी। और मेरी माँ उसको देखकर उस पर दया दिखाती थी कि आप मेरे लिए या आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या कर रही हो, मेहनत कर रही हो। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई वुड कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।